तो अगर किसी भी घर के बाहर टोयोटा की हाइब्रिड खड़ी है तो उसका मतलब क्या है? तो भाई उबर चलाने का फायदा क्या है, लोग क्यों जा रहे हैं उबर की तरफ? या फिर कभी किसी का कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए? तो अगर किसी भी घर के बाहर टोयोटा की हाइब्रिड खड़ी है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब साफ है कि उस घर में से कोई ना कोई बंदा उबर जरूर चला रहा है। चलिए देखते हैं कौन है। शायद प्रतीक भाई ने सोचा भी नहीं होगा कि हम सुबह 6 बजे शार्प उनके घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था वो 6 बजे उठ के तैयार हो जाते हैं। भाई आ गए आप टाइम पे हैं। अरे क्या बात है, सॉकेट हो गया अभी। और ये हमारे कैमरामैन है मिस्टर रूडा। बैठो भाई, ये यूं गया यूं आया। नहाने जा रहे हो? इनको नहाने जाने देते हैं, हम आगे थोड़ी बात करते हैं। चलो भाई बस करो, अंदर ही आ गए यार, हद हो गई है। 2 मिनट में आया। तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, नहाने देते हैं और हम इतना लिविंग रूम में वेट करते हैं। कैमरामैन बैठो आप भी। भाई तैयार भी हो गए? और भाई सुबह मार्केट गर्म होती है, सुबह जितना बिजी है कवर अप कर लेंगे। और ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तो मुश्किल ही लगता है, अभी राइड आ जाएगी 1 मिनट में। चलो ठीक है, ओके भाई मिलते हैं 3 घंटे के बाद। चलो भाई आप हो जाओ, इतना मुड्डा के साथ बैठ के चिल करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और भाई हुडा भाई भी उठ चुके हैं सुबह सुबह, तो पूरा हरियाणवी स्टाइल में कंबल वंबल ओढ़ करके तोड़फोड़ मचा रखी है किचन के अंदर। तो प्रतीक जब तक रिटर्न आते हैं अपनी राइड्स पूरी करके, तब तक आपको सीधा लेके चलते हैं अमन के पास। तो अमन भाई पहले ये बता, उबर करते हैं उबर ईट्स करते हैं? मैं भाई उबर ईट्स करता हूं। तो उबर ईट्स क्यों करते, उबर क्यों नहीं? क्योंकि भाई उबर ईट्स थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उबर ईट्स में आप 91 मॉडल के बाद कोई भी गाड़ी यूज कर सकते हो, बल्कि और उबर पैसेंजर में आपको गाड़ी चाहिए 10 साल से पुरानी, से ज्यादा पुरानी आप गाड़ी नहीं ले सकते। भाई लाइसेंस कौन सा चाहिए उबर ईट्स चलाने के लिए? उबर ईट्स के लिए जस्ट आपको फुल न्यूजीलैंड ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, डजंट मैटर कितना भी पुराना हो। और उबर पैसेंजर के लिए? उबर पैसेंजर के लिए आई थिंक लाइक आपको एटलीस्ट 2 ईयर फुल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए न्यूजीलैंड का। तो भाई बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है कि उबर वाले बहुत पैसा कमाते हैं, तो क्या सच है ये, कितना कमाते हैं? भाई ये तो डिपेंड करता है कि वो वीक कितना बिजी गया है। अगर आप लाइक रियली बिजी है, फुल वीक आप काम करते हो, तो यू कैन इजीली अर्न $1,500 to $2,000। लेकिन अगर बिजी नहीं है, यू कैन स्टिल अर्न लाइक $1,000 ऑन एन एवरेज। तो भाई उबर चलाने का फायदा क्या है, लोग क्यों जा रहे हैं उबर की तरफ? तो भाई उबर लोग इसलिए कर रहे हैं आई थिंक लाइक इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं है, यू आर नॉट बाउंड, कोई टाइम नहीं, आप जब मर्जी सो के उठो तब कर लो, बंद भर गया बंद कर दो, तो बेसिकली वी कैन से यू आर ऑन बॉस। तो कोई रोस्टर, कोई ड्रेस नहीं, कोई शिफ्ट, कोई यूनिफॉर्म कुछ नहीं, जो मर्जी करो जब मर्जी करो, इट्स वेरी गुड। तो उबर इट्स करने में कोई दिक्कत परेशानी भी होती है आपको, ये सब बढ़िया है? नहीं भाई, डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है इसके अंदर, बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लाइक लेट नाइट्स के अंदर, जैसे कभी कस्टमर का घर नहीं मिल पाता, या फिर कभी किसी का कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, बस थोड़ा बहुत है, बाकी ओवरऑल इट्स क्वाइट गुड। बोला था भाई आपको 3-4 घंटे बाद मिलूंगा। चलो आ जाओ। चलो कि आप सुबह से उठ के इतनी जल्दी निकले, तो आपका दिन कैसा गया अभी तक? ऑलमोस्ट 3 घंटे लगा दिए हैं, तो दिन ठीक ठाक गया, मॉर्निंग तो हमेशा बिजी जाती है। आप घर पर आ चुके हो, तो क्या आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, आप दोबारा ऊबर चलाओगे नहीं चलाओगे, पूरे दिन का क्या प्लान होता है? बस अभी यार खाना वगैरह खाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देके एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा, फिर घर आके थोड़ा सो जाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करूंगा, और फिर शाम को मे बी 6 or 7 o'clock फिनिश कर दूंगा काम। देख रहे हो भाइयों, काम खत्म करके घर पर आए हैं, सॉरी ब्रेक में घर पर आए हैं, उसके बाद जिम भी जाएंगे अभी, और उसके बाद दोबारा सोएंगे और फिर काम पे जाएंगे, मजे की लाइफ जी रहे हैं भाई। तो भाई हमने पता क्या आपके बारे में, क्या आप पहले बहुत ही अच्छी ब्रांडेड टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, तो वो एक ब्रांड छोड़ के आपने उबर क्यों स्टार्ट किया? उबर में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके, और मेरे फ्यूचर प्लान थे कि मैं न्यूजीलैंड पुलिस के लिए तैयारी करूंगा। तो आप पुलिस में ज्वाइनिंग करने तो के लिए? पुलिस में जाने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ जाता था, जैसे कि मैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दे पाऊँ, अपनी स्टडीज के ऊपर ध्यान दे पाऊँ, तो इसीलिए मैंने फिर उबर चूज की। उबर से बेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी किसी और काम में नहीं मिलेगी आपको। तो आप अपने मर्जी से स्टार्ट करते हैं, मर्जी से एक्सरसाइज करते हैं, मर्जी से पढ़ाई करते हैं, सब आपके ऊपर चल रहा है, सब मेरे ऊपर। पर क्या इसमें अच्छे पैसे बन रहे हैं, क्या आपका खर्चा वर्चा सब बढ़िया से निकल रहा है?
हाँ जी, जब मैंने चूज किया था तो बड़ा एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि मैं उतने पैसे बना पाऊंगा या नहीं, बट अभी बहुत सही चल रहा है काम। अगर तो बहुत अच्छा दिन जा रहा है तो $250-$300 बन जाते हैं, और अगर पर डे के ओके और ऑल ओवर वीक की बात करो तो अगर तो बहुत बढ़िया वीक किया है, बिजी वीक किया है तो $2,000 कहीं भी नहीं गया। अरे अरे गुड। और अगर एवरेज गया है तो 1500, और अगर बहुत कम बिजी है तो $1,100-1200 तो बन ही जाता है आराम से। बहुत बढ़िया। तो अपने व्यूवर्स ये जानना चाहता है कि हम जब पैसे देते हैं उबर को तो कंपनी को पैसे आते हैं, कंपनी आपको पैसा देती है, पर उसमें कंपनी कुछ ना कुछ अपना कट रखती है, मार्जिन रखती है, तो कितना परसेंट होता है जो आपसे कट जाता है? हाँ जी, मार्केट में 2 या 3 तरीके की राइड शेयर चल रही हैं, लाइक उबर, ओला, डीडी, हर एक का मार्जिन जो है वो डिफरेंट है। जैसे उबर का जो मार्जिन है वो 28% है, ओला का है 18%, डीडी का मे बी 15%। तो जैसे सबसे ज्यादा कट उबर रखती है, फिर भी आप उबर को ज्यादा चला रहे हो, तो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है कि भी किसमें प्रमोशन ज्यादा लगी हुई है, जिसमें मेरे को अच्छी अच्छी मनी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, मैं वो वाली यूज कर लेता हूँ। और मतलब आपने सारी राइड याद रखी हैं कि जो आया वो क्लिक कर दी जहाँ पे अच्छा, जहाँ से मेरे को राइड आई, जहाँ से अच्छी राइड आई, मैं उसके लिए चला जाता हूँ। ये बढ़िया यार, ये अच्छा। यार एक बात जरूर बताओ, जब हम उबर की वेट कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत देर तक उबर आती है उसके बाद में आपकी राइड कैंसिल हो जाती है, तो आप ऐसा क्यों करते हो? वैसे तो ये बात कोई भी उबर ड्राइवर कभी किसी को बताएगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 conditions हैं। या तो जो उबर ड्राइवर है वो लॉन्ग ड्राइव पे है, उसको एक अच्छी राइड आई है 13-15 kilometers दूर, तो इसीलिए वो उस राइड पे तो आपकी ड्राइव आपकी जो राइड है वो चूज़ नहीं करेगा। या फिर दूसरा कंसर्न ये भी हो सकता है कि आपकी राइड बहुत छोटी है, 1-2 kilometers की है, तो इसीलिए वो वेट करेगा कि दूसरी राइड आए और उस पर जाए। उबर चलाने में कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है, कोई ड्रॉबैक हो? उबर चलाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी कमर की बैंड बढ़ सकती है, क्योंकि जब 8 से 10 घंटे गाड़ी चलानी होती है तो कमर ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि कभी कभी कस्टमर बहुत ज़्यादा बेकार मिल जाता है, तो सारा दिन ख़राब हो जाता है। एक बात जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि उबर चलाने के लिए गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि हमेशा हाइब्रिड गाड़ी लें, जिससे कि आपकी माइलेज अच्छी निकले गाड़ी की और आप ज्यादा से ज्यादा मनी बना सके। भाई साहब आपका इंटरव्यू तो हो गया, शेक शुक्रिया कि मैं बनाओ शेक भाई, बहुत मेहनत कर ली इंटरव्यू में। आप लोगों तक ही है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो चैनल। तो तू कह दे। हाँ भाई, सब करो करो भाई, तड़के तलाक रहा, बहुत मेहनत करे बंदा।